तस्वीर मेरे सबनी के स्वागत बात। चलिए आज ले बनी हम छोटा वाला सोयाबीन। तो चलिए आज छोटा वाला सोयाबीन आलू के सब्जी बना दें, बहुत ही टेस्टी और बहुत सिंपल तरीक़ा से तैयार हो जाला और बहुत ज़्यादा आसान तरीक़ा से बनावल जाला। तो चलिए आज एकरा के हम पहले पानी में बॉयल करब, ओकरा बाद छान लेते नहीं। चलिए तो सोयाबीन उबाले खाती हम पानी बिठा दे बनी, ओकरा में डाल दे हम थोड़ा सा नमक, ताकि सोयाबीन में थोड़ा सा नमक कोई टेस्ट ना होला तो नमक के पानी में खौलावल जाला। थोड़ा सा गर्म हो गया, अब एकरा में डाल के हम सोयाबीन के खौला लेते हैं। सोयाबीन के दो तीन पानी अच्छा से धो ले जाला, जब भी पानी में खोल जाए तो ठंडा पानी से दो तीन बार एकरा के दबा दबा के निचोड़ निचोड़ के धो लियाला, ताकि जो गंदगी रही अंदर से वो साफ़ हो जाए और थोड़ा सा मुलायम भी हो जाला। पानी में खोलेला से ही क्या होला कि अच्छा से हल्का पक जाला, रो कुकर में बने के जरूरत नहीं है, कढ़ाई में भी बन जाला अगर पानी में अच्छा से खोला दी तब। कुछ आदमी कच्चा भी सोयाबीन के बना दे बेला। चलिए तो अच्छा से एकरा के हम खोला लेते हैं। चलिए तो सोयाबीन हमने के अच्छा से ये खोल गई बा, देखिए इस तरीक़ा से सोयाबीन अगर खोल जाए तब गैस के बंद कर दी। अब चलिए एकरा के दो तीन पानी ठंडा करके हम धो लेते हैं। चलिए तो सोयाबीन के अच्छा से धो ले बन दो तीन पानी इस तरीक़ा से एकदम पानी निचोड़ के, और उसके बाद उसी साइज में हम काट ले बनी उबलल आलू। उबलल आलू हम आधा ले बनी, एकरा सोयाबीन से आधा आलू ले बनी और उसी छोटा साइज में हम आलू के कट कर ले बनी छोटा छोटा। तो चलिए अब एकरा के अच्छा से भूज लिया। चलिए आलू सोयाबीन भुने खातिर एक साथ हम तेल डालम, ज़्यादा तेल ना डालम, आलू और सोयाबीन साथ में ही भून ले हम, उतने अनुसार में हम तेल डाल दे बनी। तेल अच्छा से गर्म होके के चाहिए कि सोयाबीन चिपके ना, हल्का तेल गर्म ना होके के चाहिए, अच्छा से गर्म होके के चाहिए, तेगे तेल में झाक आवे लगे। चलिए तो तेल के हमने के अच्छा से गर्म कर ले बन जाए, ए डाल दे हम सोयाबीन। सोयाबीन के थोड़ा सा हम आधा 50% जब सोयाबीन भुना जाए तभी हम आलू के डालम, सोयाबीन के कभी भी साथ में आलू ना डालम, काहे कि सोयाबीन भुजेबे ना करी। तो आधा भुजा जे सोयाबीन तबे हम आलू डालम, सोयाबीन के बहुते पानी छोड़ मतलब पानी आधा सूखिए जाला तभी आलू डालम। तो चलिए सोयाबीन के हम भूज लेते हैं। चलिए तो हमने के सोयाबीन 50% अच्छा से भूज ले भाइये, इसी तरीक़ा से चलाते हुए भूजम ना तो एक तरफा सोयाबीन भुजाई, चारों तरफ से ना भुजाई, एक तरफा भुजाई जाए, काहे कि जब चलेबे ना करम तो एक ही तरफ में भुजाई, तो दोनों तरफ हमने के चारों तरफ ऐसे से चलाते हुए भूज लेबे के बाद। अब हमने के आधा भुजा गई बा, अब एकरा में डालम हम कटल आलू। कटल आलू के 2 से 3 मिनट हुआ, 4 से 5 से 10 मिनट लग सकता, अच्छा से एकरा में भूज ले हम सोयाबीन के साथ, एकरा में कमो तेल लगेला, अच्छा से भुजाइए जाना। चलिए तो आलू और सोयाबीन भी हमने के अच्छा से भुजा गई बा, अब एकरा के हम निकाल लेते नहीं और मसाला इसमें तैयार कई बा। चलिए तो हमने के पेन बैठा दे बेंजा निकाल के सब सोयाबीन आलू के, अब इसी में डाल दे हम तेल, मसाला भुने भर हम तेल डाल दे हम, तेल के अच्छा से गर्म होके दे हम। तेल हमने के गर्म हो गई बा, अब एकरा में डाल दे हम फोड़न, जीरा खड़ा जीरा होके के चाहिए आधा चम्मच, फिर तेजपत्ता लाल मिर्ची, अच्छा से कड़क जा दे हम एकरा के। चलिए तो हमने के कड़क गई बा, अब एकरा में डालम लहसुन अदरक कूट के, छोटा छोटा बारीक करके भी रोवा डाल सकता नहीं, कूट के भी डाल सकता नहीं। चलिए तो सब चीज़ हमने के अच्छा से कड़क गई बा, हल्का हल्का लहसुन लाल भी हो गई बा। अब डाले हमें में प्याज, दो तीन को बड़ा साइज में प्याज कट के डाल दे हम, और प्याज के हल्का सा लाल होके दे हम, ज़्यादा लाल ना। चल तो प्याज हमने के हल्का लाल हो गई बा, इसमें डाल दे हम लहसुन अदरक के पेस्ट, थोड़ा सा भून ले हम ताकि एक हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए। चल तो हमने के लहसुन अदरक का थोड़ा सा भूज ले बन जाए ताकि अच्छा से कच्चापन हल्का निकल जाए। अब एकरा में डालम हम मसाला, हल्दी पाउडर और फिर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दें हम, लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद इसी समय डाल दें हम टमाटर, ताकि टमाटर के पानी छोड़ के मसाला अच्छा से भुंजा जाए। अब एकरा में टमाटर कब गल जाए, एकरा में नमक डाल दें हम तब पानी अच्छा से छोड़ दी, ते में स्वाद अनुसार हम नमक डाल दें हम, ताकि टमाटर गलते रही या पानी छोड़ते रही और मसाला अच्छा से भुंजा दी जाए। आँच के मीडियम कर दें हम, ज़्यादा तेज ना करम ताकि मसाला जल जाए। तो चलिए एकरा के अच्छा से जब तक ले तेल ना छोड़ी तब तक ले मसाला के भूज लेवे के बाद।
चलिए मसाला के चलाते हुए जब तक ले तेल ना छोड़ी तब तक ले भूजा जाला। अगर ज़्यादा जल्दी होके तेकर के ढक ढक के मसाला भूज तो जल्दी तेल छोड़ दे बेला। आँच के कभी भी मसाला भूजी तो तेल मीडियम करके भूजी। देखी तो हमने के मसाला हल्का सा तेल छोड़ देले बा। अब एक में जब मसाला अच्छा से भूजा दे तो इसमें डाल दे हम गरम मसाला, एक से डेढ़ चम्मच गरम मसाला। अब हल्का सा भूज दे, कभी भी भूजा जाए पहले मसाला तभी गरम मसाला डाली ताकि खुशबू बनल रहे। चल धनी के मसाला तैयार हो गए। अब एक में डाल दे हम सोयाबीन और आलू के, और 2 से 3 मिनट मसाला के साथ भूज ले हम। आप पानी को गरम कर, जब ग्रेवी डाले के हो गए तो पानी के गरम कर ली और तबे डाली ताकि कलर और टेस्ट दोनों मैंने बराबर रहे। अन्यथा ठंडा पानी डालला से एक कलर भी हल्का हो जाला और टेस्ट भी कुछ अजीब सा हो जाला। तो कभी भी सब्जी में गरम पानी के इस्तेमाल करी। अन्यथा रूम टेम्परेचर पे जब पानी हो तब पूरा ठंडा पानी ना डाली। चलिए तो सोयाबीन मसाला और आलू के एक साथ हम 2 से 3 मिनट तक ले भूज ले ले पानी। अब ग्रेवी के अनुसार में पानी डाल दें हम, ढक के हम 10 से 15 मिनट खातिर छोड़ दें हम ताकि हमने के सब्जी अच्छा से पक जाए। अब बीच बीच में चलावत रही ताकि सब्जी के चला दें हम तेज से रही कि नीचे बैठ के जली ना। तो चलिए अब 10 से 15 मिनट खातिर हम एक ढक दे तानी, बीच बीच में चलाव तो रहें। चलिए तो देखिए हमने के सोयाबीन के सब्जी बनके रेडी हो गए। अब गैस के बंद करता नहीं और निकाल के रोक के दिखाता नहीं। देखिए अरे वो जितना चाहे ग्रेवी रख सकता नहीं, हम थोड़ा सा रख ले बनी क्योंकि रोटी के साथ खाए के बाद। चलिए तो अब एक पे हम धनिया पत्ते डाल देता नहीं। अब रोटी पराठा पूड़ी के साथ रोग आराम से खा सकता नहीं। तो बताई हमारे आलू और सोयाबीन के सब्जी कैसा लगा कमेंट में जरूर करो। फिर आए एक नया रेसिपी के साथ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ हमारे